हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुट या फिर फिट के कन्वर्जन के बारे में। आप फुट को किसी दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। जीरो लेवल से चलेंगे। अब मैं बात करूँ जीरो लेवल से चलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि एक फुट का साइज़ कितना होता है, एक फुट कितना लंबा होता है। पहले हम वो प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मेजरिंग टेप है, आपको इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बेसिक कंसेप्ट वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं एक फुट की बात करूँ, देखो ये जो साइज़ है हमारे पास, ये जो साइज़ है हमारे पास, ये मेरा थंब आपको दिख रहा है, ये वाला थंब, जहाँ तक ये साइज थंब जा रहा है, और ये जो साइज़ है हमारे पास, आपको देखता हूँ दिख रहा है एक बार यहाँ से, ये जो साइज़ है ना, यहाँ पे दिखो 12 लिखो रेड कलर से, ये 30 वाला जो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो साइज जैसे हम कहते हैं 1 फुट, तो यानी कि 1 फुट का साइज हमारे पास इतना रहता है। क्लियर हो गया? यानी कि मैं फुट से स्टार्ट करूँ तो ये सी तक जा रहा है, एफ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास 1 फुट का साइज रहता है। तो 1 फुट आपको पता नहीं लगा कि 1 फुट लेंथ जो है वो कितनी लंबी रहती है, कितनी उसकी लंबाई रहती है, वो आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं इस 1 फुट की बात करें, इसको बाकी यूनिट्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे आसान तरीका वो हम समझने जा रहे हैं। देखो, आपको कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, आपको एक यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारे पास, जैसे मान के चलो कि हमें पता है कि एक पेन की बात करें, एक अगर हम राइटोमीटर के पेन की बात करें, हम बोलेंगे एक राइटोमीटर का पेन जो 20 रुपये के बराबर है। क्लियर हो गया? यहाँ पर मुझे एक यूनिट का पता है ना कि एक राइटोमीटर का पेन 20 रुपये के बराबर है। अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, आप मुझसे पूछो कि 2 राइटोमीटर के पेन कितने के आ जाएंगे, तो मैं बोलूँगा 40 रुपीज़ के, 40 रुपये के। कैसे? क्योंकि मुझे एक यूनिट का पता था, जब उसने कहा कि 2 पेन किसके बराबर हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 40। जब वो मुझसे पूछेगा कि 3 राइटोमीटर पेन किसके बराबर है, तो मैं 3 को इस 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 60, यानी कि 3 राइटोमीटर पेन 60 रुपीज़ के आ जाएंगे। यानी कि मुझे सबसे बेसिक चीज़ है कि एक यूनिट का पता होना चाहिए, बाकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से मुझे कोई बोले कि 1 लाख करोड़ जो पेन है वो कितने के होंगे, तो मैं इस 20 को 1 लाख करोड़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना भी आंसर आ जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर मुझसे कोई पूछता है कि मान के चलो कि 20 राइटोमीटर के पेन कितने के होंगे, तो मैं इस 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि हमें एक यूनिट का पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे कुछ यूनिट्स आपके सामने मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया है 1 फुट जो है 12 इंचज़ के बराबर है। जैसे यहाँ पे एक यूनिट का पता था ना, एक पेन इसके बराबर है, तो बाकी हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते थे। वैसे यहाँ पे हमें गिवन है 1 फुट, कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा 2 फुट में कितने इंच हो रहे हैं, 2 फुट में कितने इंच हुए, 2 फुट में हम क्या करेंगे, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 24 इंच आ जाएंगे। अगर मेरे से कोई पूछता है कि 5 फुट में कितने इंच हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आ जाएगा, 60 इंचज़, यानी कि 5 फुट में 60 इंच हो गए। अगर मुझसे कोई पूछता है कि 10 फुट का बताओ, 10 फुट में कितने इंच हो जाएंगे, तो मैं इस 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 120 आंसर आ जाएगा मेरे पास। 1 इंच का आपको पता है ना, ये जो साइज़ है मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है, ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइज़ है, ये हमारे पास 1 इंच आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ 2 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज़ 3 इंच, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 इंच का भी आपको पता लग रहा होगा प्रैक्टिकली कि 1 इंच कितना होता है। क्लियर हो गया? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर आ जाते हैं। तो 1 फुट का हमें पता था ना, एक यूनिट का पता था कि 1 फुट में इंच इतने इंच आ रहे हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर आपको कोई मान के चलो बोलता है कि बताओ 30.4, ऐसे कोई बोल देता है कि 30.4 फुट में, 30.4 फीट में कितने इंच आते हैं, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल है, यहाँ पे 30.4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 30.4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 30.4 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 364.8, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 364.8 इंचज़। क्लियर हो गया? ये सब आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं रिवर्स केस में। अगर आपको कभी इंचज़ में कोई टर्म गिवन है और आपको कहा जा रहा है फुट में कन्वर्ट करो, अब कैसे करोगे? फिर से वही कंसेप्ट है कि आपको 1 इंच का अगर पता होगा तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे हमें 1 फुट का पता था, हमें कुछ भी पता करना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल। अगर हमें 25 फुट का पता करना है, तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब उसी तरह से मुझे पता है कि 1 फुट जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 12 इंचज़ जो है वो 1 फुट के बराबर है, ठीक है, इतना मुझे पता था। अब मुझे इंचेस को फुट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1 इंच का पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने फुट। तो 1 इंच हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं 1 इंच की बात करूं,
तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 फुट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों? ये जो 12 था यहाँ पे के डिवाइड में हो गया, तभी यहाँ पे एक बचेगा ना, 1 इंच जो है 1/12 फुट के बराबर हो गया। अब मुझे एक यूनिट का पता लग गया है। जब मुझे एक यूनिट का पता लग गया, आप मुझे कुछ भी पूछ लो, आप मुझसे पूछो कि 60 इंच, 60 इंच में कितने फिट हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1/12 × 60, ये मेरे पास आ जाएगा 5 फुट। क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछता कि 120 इंचेस में कितने फुट हो जाएंगे, तो मैं इसको सिंपल 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कोई 564.38 इंचेस में कितने फुट हो गए, तो मैं इस 1/12 को 564.38 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्या है कि आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये चार चीज़ें याद रखनी होंगी। चार चीज़ें मैंने आपको याद रखो, आप सिर्फ तीन चीज़ें याद रख लो, ठीक है? 1 फुट में 12 इंच हो गए। क्लियर हो गया? वैसे अगर आप इंचेस को, आप फुट को इंचेस में करो, इंचेस को फुट में करो, कन्वर्ट आपके लिए आसान है। वैसे फुट और सेंटीमीटर की बात करें, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, आप अप्रोक्सीमेटली कभी आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है वर्बली, तो आप 30 सेंटीमीटर मान के चल सकते हो। आप कह सकते हो कि 1 फुट के साइज में 30 सेंटीमीटर होते हैं। रफ कैलकुलेशन के लिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 30.48 आपको यूज़ करना होगा, ठीक है? अगर आप रफ कैलकुलेशन करते हो वैसे ही, तो आप 1 फुट में आप 30 सेंटीमीटर मान के चल सकते हो। अब आपसे कोई पूछे कि 2 फुट में कितने सेंटीमीटर, आपने सिंपली इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपसे कोई पूछे 5 फुट किसके बराबर, आपने इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 फुट में जो भी आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसका रिवर्स केस कैसे हो जाएगा, हमें पता है कि 30.48 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/30.48 फिट के बराबर, ठीक है? अब आपसे कुछ भी पूछ लें, कोई आपसे पूछता है कि 50 सेंटीमीटर कितने फिट के बराबर, आप इस टर्म को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? ये आपको समझ जाएगा कि 1 फुट में 12 इंचज होते हैं। याद रखना, जैसे हमारे यहाँ पे 1 फुट, ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ठीक है? इसी तरह से 1 फुट में 12 इंचज होते हैं। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर है। आप छोटा सा स्केल यूज़ करते हो ना, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर आप बड़ा स्केल यूज़ करते हो, 30 सेंटीमीटर का होता है। जो बड़ा वाला स्केल है वो 1 फुट उसी के बराबर होता है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर का हमें पता है 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 30.48 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? देखो, 1 सेंटीमीटर का हमें पता था 10 mm, तो यहाँ पे 30.48 सेंटीमीटर इसके बराबर हो जाएंगे। इसको हम 30.48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 304.8 mm आ जाएगा, यानी कि 1 फुट में हमारे पास 304.8 mm होते हैं। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब यार्ड की बात कर लेते हैं। हमें इतना पता था कि 1 यार्ड जो है वो 3 फुट के बराबर होता है। 1 यार्ड लेंथ की बात करूँ, वो 3 फुट के बराबर है। अगर आपसे कोई पूछता है 5 यार्ड में कितने फुट, तो 5 यार्ड में 15 फुट हो जाएंगे। कैसे? 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिवर्स केस की बात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि 3 फुट में 1 यार्ड, तो 1 फुट में कितने यार्ड हो जाएगा, 1/3 यार्ड। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि 9 फुट में, 9 फुट में कितने यार्ड होते हैं, आप इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे कोई पूछता है 15 फुट कितने यार्ड के बराबर, आप इस टर्म को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया? कंसेप्ट सिंपल सा है कि आपको एक यूनिट का पता होना चाहिए। आपको जब एक यूनिट का पता होगा, आप आसानी से यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो